और डिस्ट्रिक्ट शहीद भगत सिंह नगर पुलिस वालों जो रिसेंटली जो मर्डर रिपोर्ट किया गया सीगा सिटी बंगे का उस कामयाबी हासिल करते हुए तीन एक्यूज नू अरेस्ट किया गया है ते मर्डर केस नू सॉल्व किया गया है। ये मर्डर केस च एसपीडी दी सुपरविजन ते मल्टीपल टीम्स बनाई गई सी। मल्टीपल टीम्स ने काम करते हुए बेस्ड ऑन सीसीटीवी फुटेज लोकल इनपुट्स एंड वेरीफिकेशन ऑफ आई विटनेसिस ये ब्लाइंड मर्डर केस ते इन्वेस्टिगेशन नू डिवेलप किया ते इस बेस च तीन जो एक्यूज नू अरेस्ट किया गया है। पहले अक्यूज का नाम हैगा मनी सन ऑफ त्रिलोचन सिंह, दूजे का नाम है जसप्रीत सिंह उर्फ जस्सी, तीजे का नाम हैगा सिमरनजीत सिंह उर्फ सिमी। तो इन्हों का रोल इस तरीके नाल सामने आएगा कि इन्होंने शैल्टर उन्होंने दी, उन्होंने ट्रांसपोर्टेशन से हेल्प की, तो उन्होंने लोकल लेवल पर उन्होंने पाँच रातों तक उन्होंने जो मेन अक्यूज हैगा चस्सा हैपोवाल उन्होंने शैल्टर दी पाँच दिन तक। तो फरदर इसकी तफ्तीश की जा रही है। इस केस च तीनों जो अरेस्टेड एक्यूज है तीन दिन की उन्होंने पुलिस कस्टडी सिक्योर की गई है। तो जो भी आगे कल तफ्तीश से आऊगी वो शेयर कर ली जाऊगी। बट आई वुड लाइक टू कमेंड माई टीम कि उन्होंने पिछले छः दिनों तो रिपीटडली हर एंगल पर काम करते हुए क्रॉस वेरीफाई करते हुए इस छः दिन के अंदर अंदर केस न ट्रेस कर लिया। तो आर टीम्स आर ऑन द जॉब टू नैप द अदर एक्यूज बट स्टिल वी विल इन्वेस्टिगेट। इस बाकी भी किसी का रोल और आंदा है कि किस तरीके चीज़ें हुई हैं। मेन मोटिव जो इस केस च है कि सोनू नाई जो विक्टिम है इसकी शॉप के आगे जो मेन एक्यूज की पिटाई हुई सी उन्होंने काफ़ी सोशल लेवल पर एम्बेरसमेंट तो ह्यूमिलेशन हुई सी, उस करके उसके मन से परसनल ग्रज से एनिमिटी सी कि इन्हें मतलब अपनी शॉप के आगे मेरी पिटाई होने दी तो उसके बारे मैं मतलब मेरी इन्फॉर्मेशन जो है वो आगे दी गई, तो इस करके इदा जो मर्डर किया गया है। तो मैं ये गल कहना चाहवागा कि इस केस के कोरसपोंडिंग जो मेन एक्यूज है उसके दो ते तीन टारगेट जो है होर आइडेंटिफाई असी तफ्तीश से किए जो एक्यूज ने करने से, बट पुलिस की मतलब प्रोएक्टिव पुलिसिंग एंटीसीपेटिव पुलिसिंग ड्यू डेलीजेंस आगे पुलिस ने करते हुए उन्होंने टारगेट्स नू टाइमली इंटरवीन किया गया तो उन्होंने बचाया गया। तो मैं मीडिया के राही थोड़े राही यही अपील करना चाहवागा कि जो इस एज प्रोफाइल के है बच्चे 20 तो 30 साल वाले उन्होंने फैमिली लेवल पर सोशल लेवल पर थोड़ा ध्यान रखा जाए। उन्होंने कंट्रोल सोशल कंट्रोल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि वो किस तरह के बंद बैठ रहे हैं, किस तरह के बंद जा रहे हैं, कितने रुक रहे हैं, कि उन्होंने कंडक्ट है आगे पीछे कोई पुलिस के मतलब रिकॉर्ड से तो नहीं हैगा, तो उन्होंने भी ये क्रिटिकल रोल हैगा। तो इस केस से ये गल सामने आई है मल्टीपल लेवल ऑफ जो एसोसिएट्स है फुट सोल्जर्स है गैंग मैंबरस के, तो जो गैंग मैंबरस के जो एसोसिएट्स है वो अगे फरदर किसी को ये नहीं दसते कि काम कर रहे हैं नहीं कर रहे है। तो फॉर ग्राउंड लेवल फुट सोल्जर समटाइम्स वो पता ही नहीं चलता कि वो की कर रहे हैं, किसते कहने से की काम हो रहा है। इसते कुछ गल इस तरह भी सामने आई हैगी कि फर्स्ट वर्चुअल लेवल पर कुछ कनैक्शन बना लिया जाता है कि उन्होंने एसोसिएट कर, उन्होंने कोई इस तरह की भी गल नहीं हैगी कोई काम या लालच की बात करके वो उन्होंने नाल एसोसिएट हो जाते हैं। फिर थोड़ी सी हेल्प करने के बहाने जो है उस चीज़ से वो आगे की क्राइम से अनफोल्ड होती है गल उन्होंने भी पता नहीं चलती। नहीं देखो अनफॉर्चुनेटली जिदा मर्डर हो गया वो तो है नहीं, हुण ये गल तो सिर्फ वो बंदा वही जानता सी की कह के लेंगे, बट अपरेंटली जो सीसीटीवी फुटेज थे वो यही गल है कि उन्होंने बुलाया गया उससे कुछ गल की गई फिर उसको अपने नाल बिठा के लेके जा गए, तो उन्होंने मतलब कोई अबडक्ट करके किडनैप करके तो लेके नहीं गए, तो जो ऑब्वियसली कि उन्होंने कोई गल करके फ्रेंडली मैनर च गल करके ही लेके गए, उन्होंने थोड़ी पता है कि उन्होंने कोई मर्डर करने लेके जा रहे। नहीं हले तक जो मतलब इसकी इन्वेस्टिगेशन पे गल सामने आई है वो पॉइंट ब्लैंक पे मतलब वेपन पे ही पिस्तल या रिवॉल्वर पे ही मारा है, बट इसकी ऑटोप्सी रिपोर्ट या पोस्टमार्टम रिपोर्ट पे क्लियर होगा कि किस तरह असेंबली मारा है। हाँ जो व्हेन ही वाज पिक फ्रॉम द प्लेस तो वो विद इन 10-15 मिनट्स ही था मर्डर हो गया। टारगेट होर भी लोग से? हाँ इधर मतलब टारगेट्स होर भी लोग सी, बट पब्लिक इंटरेस्ट करके ऐसे टारगेट का नाम नहीं देना चाहते, बट इस दे टारगेट सी ही वाज वेरी डेस्परेट टू टारगेट कि उन्होंने नाल भी दी कोई गैंग करके या पर्सनल लेवल पे करके जो मंच गल सी उसके गल सामने जस्सी ने भी काम कर रहे थे।
हाँ ये तुसी जानते हो जो पिछे जो मर्डर केस सीगा मक्खन मर्डर केस तो उस चे सोनू खत्री गैंग दे एसोसिएट सेगी सर वेपन नाल मारन लई हाथ बन्ने गए सी इहदे पर ते वेपन नाल किस तरह मार दित्ते सर हाँ वो गल हैगी है गल तुहाडी पर तो स्टिल वी विल इन्वेस्टिगेट ना वो ए तो देखो उस पर्टिकुलर एक मिनट च की हुंदा हैगा कि पहला हाथ बंधे गए फिर हथियार कुछ होर प्लान किया गया मौके पे की यूज हो गया वो तो मोमेंटरी चीज है या दो गिरफ्तारी बाकी भी तीन गिरफ्तार हाँ इस केस से हाले तक पांच जो हैगे नाम फिगर हुए हैं जिसमें तीन दी गिरफ्तारी हो चुकी है दो दी गिरफ्तारी बाकी है दे आर ऑन द रन तो यू आर टीम्स आर ऑन द जॉब की वी विल ट्राई टू एप्रीहेंड देम एज सून एज पॉसिबल रिमांड के निकले इससे तीन दिन का रिमांड सिक्योर किया गया है।